वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज विक्की मिश्रा और आप देख रहे हैं विक्की 24 मिश्रा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक बोलते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। इसी टॉपिक से हमारा बात हो गया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हर तरह के एग्जाम में लगभग लगभग रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी संबंध में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल टेक्निकली इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। इसी के बाद रेशियो और प्रोपोर्शन एक्चुअली है क्या, तो रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। ए अनुपात बी, मान के चलिए कि 2:1 कितना दिया है, 3 दिया है, मतलब ये ए का मान यहाँ पे जो आएगा उसको बोला जाएगा 3 बोला जाएगा। या ए बराबर में अगर हमारा 2 दिया है और बी बराबर में हमारा 3 दिया है तो पूछता है ए अनुपात बी बराबर में कितना होगा, ए अनुपात बी बराबर में कितना होगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2:3, आई मीन मतलब रेशियो लगभग लगभग इसी पद से बराबर 5:2 है। तो हमसे पूछते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में क्या होगा, क्वेश्चन बताना है हमको। तो देख लीजिए, इसको अरेंज करना है। ए अनुपात बी जो दिया है कितना दिया है, 4:3 दिया है, बिल्कुल दे दिए। उसके बाद बी अनुपात सी दिया है, तो बी अनुपात सी जो दिया है, बी का मान कितना है, यहाँ पे बी अनुपात सी हमारा कितना दिया है, 5:2 कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ 3 चिपका देंगे, यहाँ पे 5 है, बगल में यहाँ पे क्या चिपका देंगे, 5 चिपका देंगे। अब ये अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा, दोनों का गुणा करके लिख देंगे, 5 6 का होता है 20, ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, और ये 3 2 का कितना होता है, 6 होता है। तो यही हमारा ए और बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 20:15:6 हो जाएगा। जो रेशियो होगा ए बी सी के बीच में वो कितना होगा, 20:15 और दीजिएगा। ये क्वेश्चन जरा हटके क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। ए अनुपात बी बराबर 2:4 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 3:6 दिया है, 3:1 डी बराबर 2:9 दिया। तो हमसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर में क्या होगा, बिल्कुल आसानी से टेक्निक का वही प्रयोग करेंगे। हमसे क्या पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात, यही पूछा है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली यही निकलेंगे। तो देख लीजिए, ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:4, ऐसे रख देना, बिल्कुल आसानी से रख लोगे। बी अनुपात सी दिया है, तो बी का मान यही ना है, तो 3 पहला वाला है और सी जो है वो 6 के लिए है, तो ये कितना लिखेंगे, 3:6 लिख दिए। उसके बाद सी अनुपात डी भी हमारा दिया, तो सी का तो एक मान यहाँ पर भी है, वो कितना है हमारा, 2 है, और ये कितना है, 9 है। अब हमसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात, देख ले यहाँ पे, अब यहाँ पे बाकी है जगह हमारा और यहाँ पे जगह बाकी है, फिर से यहाँ पे जगह बाकी है, यहाँ पे जगह बाकी है और यहाँ पे भी जगह बाकी है। तो जहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 के बदले में क्या लिख देंगे, 4, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 4, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो ये 2 लिखेंगे, और फिर से यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि पूरा लाइन समझ में आएगा, लाइन में फिट कर देना है आपको। अब सबको आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना, 3 2 6 के कितना होता है, 12, और ये कितना होगा, 4 3 का 12 2 का कितना होता है, 24, और ये 24 2 कितना होता है, 48, और ये कितना होता है, सब 2 से कट रहा है, काट दो इसको, तो 2 से काट देंगे, ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और ये कितना, 2 1 2 2 2 4 2 8 16, फिर से 2 से कट रहा है, अभी 2 से रिड्यूस हो रहा है, 3 2 6 6 12 2 24, और ये कितना, 64 कट रहा है, फिर 6 से देखो तो कट रहा है क्या, 6 2 12 नहीं कटेगा। तो ये कुल मिला के ए बी सी डी का जो हमारा अनुपात निकलेगा वो यही होगा। उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, अगर समझ में भी आ रहा होगा कि इसको निकाला कैसे गया है। तो 3 6 12 64 के अनुपात में इसको क्या करा जा सकता है, निकाला जा सकता है बिल्कुल आसानी से समझ में। उम्मीद करते हैं कि ए बी सी डी बिल्कुल ऐसे कर लेगा ना आसानी से। अब यहाँ पे क्या है, जो ए बी का मान है वो रख दो, कितना है, 7 और 2 है, फिर बी सी का 1 3 है, बी सी का 1 3 है, फिर सी डी का, सी डी का कितना है, 4 और 2 है। तो यहाँ पे बगल में क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पे बगल में क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पर भी बगल में क्या लिखेंगे, 2, मतलब ये खाली स्थान को भरना हमको उसके बगल वाले संख्या को देखना है। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे, तो 4 रखेंगे, क्योंकि ये 4 है ना बगल में, यहाँ पे 4 रख दिए। यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, ये 1 है तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 1, यहाँ पर 4 है तो ये बगल में क्या रखेंगे, 4, सबके ऊपर नीचे रख दिया ना माना, सबको गुणा करते हुए लिख दो, 3 2 6 2 का कितना होता है, 12, वैसे ही 3 2 6 6 का कितना होता है, 24, तो 2 1 2 6 8, और ये 7 4 28 रिड्यूस हो रहा था, काटो इसको, तो ये कितना, 14 2 28 4 2 8 12 2 24 6 2 12, फिर से 2 से कट रहा है, अभी काटो, 7 2 14 2 4 6 2 12 और 3 2 6, तो ये कुल मिला के जो होगा हमारा ए बी सी डी का
रेशियो होगा। उम्मीद करते हैं कि ए बी सी डी में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन का इसका कुछ क्वेश्चन ये है कि ए बाई टू बी बाई सेवन सी बाई एट है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में क्या होगा, आसानी से बता सकते हैं, बस कुछ और नहीं करना है, जो ये है वही इसका अनुपातिक रेशियो है। तो कितना हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, सेवन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। उम्मीद करते कि बात समझ में आया होगा, कहीं से कोई डाउट मन में तो नहीं रहा, नहीं होना चाहिए वैसे बेसिकली देखा जाए तो। तो उम्मीद करते कि इस तरह से भाग वाला क्वेश्चन तो ये समझ में आ रहा है कि जितना ये बटन होगा वही इसका अनुपातिक रेशियो देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन है कि ए बराबर टू ए थ्री बी और फोर सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर पूछा है तो हमको क्या करना, दो तीन और चार का एलसीएम ऑफ किसका, टू थ्री और फोर का, टू थ्री फोर का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है और 24 को क्या कर देना है, इससे गुणा कर भाग करके बस लिख देना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में कितना होगा, दो का भाग लगेंगे 12 से, 6 दुना को होता है 12, 3 से भाग लगेंगे 4 तिया का कितना होता है 12 और 4 से भाग लगेंगे ये कितना हो जाएगा 3, 4 तिया के 12। तो उम्मीद करते हैं कि ए बी सी ये भी बात आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन जरा कुछ हट के और अलग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन करता है क्या नहीं करता। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, लिखा हुआ है कि ए इस तरह से क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में क्या होगा। तो यहाँ पर भी नीचे वाले का हमको क्या करना है, एलसीएम करना था, एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 5 और 6 का, 3, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 13 होता है और 30 को बस क्या करना, बस गुणा के रूप में लिखते जाना था। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में हम कैसे लिखेंगे, 2/3 और गुणा में कितना, यही अनुपात का रेशियो दे देंगे यहाँ पे 4/5 गुणा में कितना 30, उसके बाद 1/6 अनुपात का रेशियो देते जाते हैं 30। तो देख लो 10 तिया का 30, 10 दुना का कितना होता है 20, 5/6 का 30, 6/4 का कितना होता है 24, 6/5 के 30। तो उम्मीद करते हैं कि ए अनुपात समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक।